फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। सो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा 10th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए महाराष्ट्र बोर्ड से, जिन्होंने भी एटीकेटी या रिपीटर का एग्जाम या तो फिर ये एग्जाम जो होता है नवंबर में जो हुआ 2020 में, जो स्टूडेंट्स फेल हुए होंगे उनके एग्जाम्स कंडक्ट किए गए थे, राइट। ऑफलाइन मोड से होते, आपका सेंटर लगा था, आपने जाके एग्जाम दिए गए। तो अब उसके सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कमेंट्स में आ रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, क्या हमारा अब एडमिशन होगा। यस, सारे के सारे आपके क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा इसी वीडियो में, लेकिन आपको करना होगा इस वीडियो को टिल एंड तक वॉच, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा ईच एंड एवरी ईयर हर बार जैसे एटीकेटी के जो एग्जाम्स होते हैं, री एग्जाम जो होते हैं, ठीक है, 10th और 12th के महाराष्ट्र बोर्ड के, तो उनके एग्जाम रिजल्ट जो होते 45 डेज में आ जाते हैं, या एक महीना और मतलब 40 डेज के बीच में हमेशा आ जाते हैं। पहला हमेशा आता है 12th का रिजल्ट, उसके बाद में आता है SSC। तो उसके हिसाब से हम एक एक्सपेक्टेड डेट लगा सकते हैं कि आपके रिजल्ट कब तक आ सकते हैं और आपका एडमिशन होगा कि नहीं। तो जैसे कि अगर आपका दिसंबर की फर्स्ट या तो सेकंड, मतलब दिसंबर की स्टार्टिंग में अगर आपका एग्जाम खत्म हुआ है, आपका एग्जाम से मतलब नहीं होगा, ठीक है। आपको जैसे कि अगर HSC के कुछ एग्जाम शायद 8 या 9 तारीख को भी खत्म हो रहे हैं किसी किसी के, तो फॉर एग्जाम्पल 10 तारीख तक हम लोग समझ के चलते, तो उसके बाद में 45 डेज काउंटिंग कर रहे हो, तो डेट मीन्स आपके रिजल्ट आने के चांसेस हो गए 10th जनवरी टू 25th जनवरी, ओके। मतलब 45 डेज में ही आपके रिजल्ट आते हैं, उससे ज्यादा टाइम लगा नहीं अभी तक, और अभी भी नहीं लगे बिकॉज जो कोविड की सिचुएशन, अब नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से वहां फिजिकली हो रहा है, तो आपके पेपर शायद से अब स्टार्ट भी हो गए होंगे चेकिंग करना, असेसमेंट स्टार्ट हो गए, डेट मीन्स आपके पेपर बहुत जल्दी रिजल्ट आपका आने के चांसेस बहुत हो गए, लेकिन कुछ पेपर्स अभी भी बचे हुए हैं। तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपके जनवरी के 15 से लेके 25 या तो शायद 10th जनवरी से लेके 25th जनवरी तक आपका रिजल्ट आने के चांसेस, अभी ऐसी कोई परफेक्ट डेट आई नहीं, तो इसके लिए मैं खाली आपको एक्सपेक्टेड डेट बताऊं। ये तो बात हो गई आपके रिजल्ट की। अब क्या आपको एडमिशन मिलेगा? यस, आपको एडमिशन, तो 10th के स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली एडमिशन मिल जाएगा कॉलेजेस में, लेकिन रही बात जो 12th में जो अभी एग्जाम दिए उनका एडमिशन कैसा होगा। कॉलेज में तो आपको एडमिशन नहीं मिल सकता, लेकिन आपके पास में ऑप्शन होगा, आइडल से आप क्या कर सकते हो, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हो, या तो शायद से कुछ ऑफर या तो कुछ ऑप्शन दे दे गवर्नमेंट आपको भी कॉलेज में एडमिशन, ताकि कॉलेजेस के एडमिशन तो फुल हो चुके, लेकिन आइडल जो प्राइवेट कहा जाता है जिसमें आपको ईयरली एग्जाम्स होते हैं, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, FIBCOM या FIBA या तो FIBSC। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये वीडियो, तो आई होप आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा आपको रिजल्ट के डेट को लेके प्लस आपका एडमिशन को लेके। 10th से 11th में एडमिशन लेना होगा या 12th से लेके आपको FIBCOM में एडमिशन लेना होगा, ओके फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। अगर आपको उसके बाद में भी कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करना, ओके फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।